नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हाथरस में दो पक्षों में नाली बनाने के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर सिकंदराऊ कोतवाली पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर डॉक्टरी परीक्षण कराया। सिकंदराऊ कोतवाली क्षेत्र के गाँव पहाड़पुर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक और उनकी चेयरमैन पत्नी पर तिरंगे के अपमान का मुकदमा शाहबाद कोतवाली में दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई कर रही है। शाहबाद विधानसभा के पूर्व विधायक सपा नेता आसिफ खान बब्बू की पत्नी नसरीन बानो शाहबाद से नगर पालिका अध्यक्ष है। इन दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों 15 अगस्त को एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। यहाँ पर मेज पर कपड़ा डाला गया था जो तिरंगा था। इस कार्यक्रम को पूर्व विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर लाइक भी किया था। इसमें अब शाहबाद कस्बे के ही मौलानागंज निवासी अरुण कुमार पांडे ने दोनों लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि दोनों लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। शाहबाद का मामला है, इसमें आरोपित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके भावनाएँ आयत की गई हैं, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। किन किन लोगों पर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें नामजद एक व्यक्ति है और कुछ लोग अज्ञात। हरदोई में एक मौलाना का आज़ादी को लेकर विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वायरल वीडियो एक मदरसे का बताया जा रहा है, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर मदरसों में ध्वजारोहण किए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद हरदोई के भी मदरसों में ध्वजारोहण किया गया। ऐसे में टड़ियावा थाना इलाके के गोपामऊ के मदरसे में ध्वजारोहण के दौरान एक विवादित वीडियो सामने आया। ये वीडियो गोपामऊ की लालपीर मस्जिद के मदरसे का है। यहाँ पर वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे तिरंगा फहरा रहे हैं, जिनमें से एक तिरंगा उल्टा भी है। वीडियो में मौलाना अब्दुल रहमान जमाई की जहरीली तकरीर भी सुनाई पड़ रही है। इसमें मौलाना कहते हैं कि ऐसी आज़ादी पर हम कल भी लात मारते थे, आज भी लात मारते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये एक वक्तव्य वायरल हो रहा है, एक वीडियो जिसमें गोपामऊ का है, इसमें तथ्यों की जाँच करके तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई? इसमें CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वहीं सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गौकशी को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गौकशों पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर पुलिस द्वारा शातिर 4 गौकशों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP देहात सागर जैन ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गौकशी की घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बेहट पुलिस द्वारा 4 शातिर गौकशी मुंतजिर नफीस मुकिम अताऊ रहमान को ग्राम शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके अन्य 4 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से उपकरण, कुल्हाड़ी, 3 झुरे, 1 लकड़ी का गट्टा, 3 रस्सी, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। एक शेखपुरा ग्राम है, उसके तालाब के पास में एक बोरी है, उसके अंदर जो एक गोवत का जो है कंकाल और खाल उसमें है। इस संबंध में तत्काल मौके पर जाकर जांच करी तो वह गाय के अवशेष पाए गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीम का गठन किया गया। आगरा में शाही जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। शाही जामा मस्जिद और अन्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और दीवानी खास की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं पहुंचा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने कोर्ट से पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग की। मुस्लिम समुदाय की ओर से तीसरे पक्ष ने आदेश 1 नियम 10 के तहत निजी तौर पर पक्षकार बनने के लिए दायर किया है और प्रार्थना पत्र तीसरे पक्ष का कहना है कि इस मामले में हमारे समुदाय का हित है, हमें भी बनाया जाए पक्षकार। कोर्ट ने आगामी 25 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। महोबा में पुलिस ने सुनसान इलाके में संचालित अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर फैक्ट्री संचालक सहित 6 आरोपियों को बने अधबने अवैध तमंचों और भारी मात्रा में कारतूसों असलाह बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर बड़ी सफलता मिली है। देखिए, थाना कोतवाली महोबा पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा
सुनसान इलाके में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जहां भारी मात्रा में अवैध शस्त्र निर्मित किए जा रहे हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली पे एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व स्वयं कोतवाली इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप कर रहे थे, और मुखबिरी की सूचना पर दबिश डालते हुए बरात पहाड़ी से एक शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 निर्मित व 5 अर्ध निर्मित अवैध असला बरामद हुए हैं। साथ ही 16 जिंदा व यूज्ड खोखा बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक समाचार पत्र के कार्यालय में चोरी का खुलासा करते हुए 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो कैमरा, एक बुलेट, मोटरसाइकिल सहित भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ। नगर कोतवाली पुलिस ने 4 साथी चोरों का संबंधित धारा में चालान कर सलाखों के पीछे भेज दिया। थाना पुलिस कोतवाली टीम ने एक चोरी की घटनाओं का अनावरण किया है। ASP साहब की लीडरशिप में थाना सिविल लाइन और थाना कोतवाली पर दर्ज कुल 3 मुकदमों का अनावरण किया गया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने PM CM पुलिस अधिकारी पत्रकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। फतेहपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निशाना साधा। सपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे अखिलेश यादव, PDA समीकरण पर काम करने के निर्देश दिए। सहारनपुर महिला जिला अस्पताल से नवजात शिशु को चोरी करने वाली 2 महिलाओं को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। नवजात शिशु के परिजनों ने SP SSP सहारनपुर पर पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया। सहारनपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 महिलाओं को अंबाला सिटी से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आपको बता दें कि थाना जनकपुरी क्षेत्र में जिला महिला अस्पताल के अंदर से बाजारा नामक महिला के नवजात शिशु को अज्ञात महिला ने चोरी कर लिया था। सहारनपुर पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को बच्चे के साथ हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। सुषमा और आशा रानी नामक दोनों महिलाएं बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य बताई जा रही हैं, जिनकी गेंदा से जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अगर इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो बच्चा मार देते या बच्चे को किसी को बेच देते या फिर नवजात शिशु को मार डालते। पुलिस की इस कार्रवाई के चलते नवजात शिशु के परिजनों ने पुलिस अफसरों पर पुष्प वर्षा की है। फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव, जो कि मीडिया से रूबरू होकर लगातार ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी लेते हुए नजर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को सबसे झूठा कहा और मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि चल सन्यासी मंदिर में, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए। घोसी विधानसभा चुनाव में वहां की जनता पहले ही मनमना चुकी, BJP को सबक सिखाएगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। और खबर गाजीपुर से, जहां माफिया मुख्तार के गैंग के सक्रिय सदस्य जफर उर्फ चंदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य जफर उर्फ चंदा को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सदर रोड से गिरफ्तार किया है। जफर हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। मुख्तार से जुड़े बारामंग के एम्बुलेंस प्रकरण में भी जफर आरोपी है। पुलिस ने जफर को उसके घर से गिरफ्तार किया है। थाना मोहम्मदाबाद में एक अभियोग माह जनवरी में पंजीकृत हुआ था हत्या का। उस प्रकरण में जो IS 191 का गैंग लीडर है मुख्तार अंसारी, वो और उसके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। उसमें ये जफर उर्फ चंदा लगातार फरार चल रहा था। कल उसी प्रकरण में मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। जातिगत आरक्षण के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश में हर जिले में कल्याण परिषद की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। वहीं रायबरेली में भी पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष रेणु सिंह रायबरेली पहुंचे और जिले के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन DM को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट समाप्त होना चाहिए, सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और प्रमोशन में आरक्षण खत्म होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि संविधान में सभी को बराबर का अधिकार है, तो प्रतिभावान सवर्ण समाज के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और हमारी इसमें 5 सूत्री मांगे हैं। हमारी मांगे ये हैं, SC एक्ट खत्म किया जाए, और दूसरी हमारी मांग है कि जो सरकारी नौकरी में प्रमोशन होते हैं उन प्रमोशन को आरक्षण के हिसाब उसमें आरक्षण खत्म किया जाए। हमारी तीसरी मांग है आरक्षण। रायबरेली में शादीशुदा महिला से मिलने गए प्रेमी और महिला को परिजनों ने ग्रामीणों ने
बंधक बना लिया और ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका को पेड़ से बांध दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को छुड़ाकर अपने साथ कोतवाली ले गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोदीपुर गांव का है। यहां के रहने वाले माता दीन ने अपने बेटे की शादी 5 साल पहले डलमऊ क्षेत्र में की थी, लेकिन बहू का चाल चलन ठीक न होने की वजह से उन्होंने अपने बेटे और बहू को घर से बेदखल कर दिया था। ऐसे में पति उससे अलग रहता था, जिसके बाद वो अपने प्रेमी से मिलने गई। ऐसे में ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और तालिबानी सजा देने लगे। हालांकि वक्त रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई, दोनों को छुड़ाया है। सर ये किस तरीके से पूरा खुलासा हुआ? जी, कल पुलिस को सूचना मिली कि जो सदर अस्पताल है इसमें से एक महिला का एक दिवसीय जो बच्चा है वो गुम हो गया, जो कि एक ही दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। और पुलिस टीम तत्काल मौके पे आई, वरिष्ठ अधिकारी सभी अधिकारीगण मौके पे आए और एसपी सिटी अभिमन्यु के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी और स्वाट टीम लगे और इस बच्चे को अथक प्रयासों से लगातार हमने ट्रैक किया और 24 घंटे के अंदर बच्चा जो है बरामद किया। एक मजदूर की मौत हो गई जिसे परिजनों में हड़कंप मच गया। हवाई सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि श्रावस्ती के किलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर के पास स्थित भंगी पुल का निर्माण चल रहा था, जिसके लिए ट्रक में पत्थर लाया जा रहा था। ट्रक से पत्थर उतारने के लिए कई मजदूर ट्रक में सवार थे, तार से वो टकरा गए जिसमें करंट फैल गया और करंट लगने से इस शख्स की मौत हो गई। ट्रक पर गिट्टी गिराने तो उनको यहाँ लाइट से करंट मार दिया ट्रक से, तो एक फायर हो गई। तो आप लोग मतलब कैसे पता चला आप लोगों को? यहाँ से किसी ने जानकारी दिया फोन पर। तो इसमें किसकी लापरवाही दिखाई दे रही है? ये ट्रक वाले वहाँ टच कर दिया तार में और फिर वो अपना फरार हो गया मौके से ट्रक छोड़कर। एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन एसएसपी की टीम ने राप्ती नदी में मॉक ड्रिल किया। एटीएम श्रावस्ती के नेतृत्व में मोहम्मदपुर कला के पास राप्ती नदी में मॉक ड्रिल किया गया। ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति होने पर कैसे किया जाए बचाव, इसकी जानकारी दी गई। एडीएम एसडीएम भिंगा के साथ संबंधित अधिकारी और एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद नजर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, काफी बाढ़ग्रस्त एरिया है यहाँ पे। तो जिला प्रशासन की सहायता से यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था कल, जिसके इसी क्रम में कल टेबल टॉप एक्सरसाइज भी हुआ था, जिसमें सारे संबंधित विभाग और इस कोऑर्डिनेशन के लिए उपलब्ध थे। वहाँ पे टाइम डिसाइड किया गया कि मोहब्बत कला गांव में मॉक एक्सरसाइज किया जाएगा, उसी क्रम में आज ये मॉक एक्सरसाइज रखा गया था। महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि के भुगतान सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन अनशन के 9वें दिन किसानों ने अपने खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। और किसानों ने पूर्व में पकड़े गए हजारों क्विंटल चने के मामले में स्थानीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारी जरूरत जी आ पड़ी हम लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, के अधिकारी सुनता नहीं है। हम लोग परेशान हो गए बैठे बैठे और अधिकारी के दिमाग में नहीं चढ़ रही कोनो बात, तो इसीलिए हम लोग अब तो हर काम कर चुके हम लोग, तो अब हमने सोचा कि अब खून से पत्र लिखें तो अधिकारी की समझ में और नेतन की समझ में आ जाए, और जब इसमें समय में नहीं आएगा तो फक्किया करेंगे और भी कुछ उपाय सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। किसानों की समस्या के जितनी भी है लगातार समाधान किया जा रहा है। इनको अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपया भी किसानों के अकाउंट में भेज दी गई है और बीमा कंपनी में जो किसानों का नाम आधार कार्ड बैंक अकाउंट उसको खुद मैं स्वयं निरीक्षण कर रहा हूं बैंक में जाकर कि किसानों का नाम का सुधार हो जाए। और सबसे दुगी मुनादी भी कराया जा रहा है कि जो किसान भाइयों का नाम गलत है या बैंक अकाउंट स्वयं आकर बैंक में सुधार ले, जिससे जल्दी से जल्दी इनके अकाउंट पे पैसा चला जाए। झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और चौकार सवारी से भरी आपे में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झांसी मरवानीपुर मार्ग मूल सिटी के पास घटना हुई है। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया है। झांसी के सदर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। झांसी में सिपरी बाजार पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक झांसी के गोंदू कंपाउंड में रहने वाले प्रशांत कुमार ने बीते दिनों सिपरी बाजार थाने में अपने घर में हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।
झांसी में टैक्स चोरी का सामान ले जाने वाले लोगों ने इन दिनों रेल मार्ग को अपना माध्यम बना लिया है, जिसकी शिकायतें लगातार झांसी आरपीएफ को मिल रही थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए झांसी आरपीएफ निरीक्षक और क्राइम ब्रांच की टीम से रात रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर दिल्ली की ओर जा रही जीटी एक्सप्रेस पहुंची। टीम ने ट्रेन के जनरल कोच को चेक किया। चेकिंग के दौरान उन्हें दो संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, जिन्हें पकड़ा गया है। हाथरस जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम विकास सेवा संस्थान द्वारा एनजीओ के माध्यम से एमडीएम का वितरण किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों एनजीओ की बड़ी लापरवाही भ्रष्टाचारी देखने को मिली है। आए दिन विद्यालयों में एनजीओ द्वारा भोजन नहीं पहुंचाया जाता और जो भोजन पहुंचता भी है तो वो खराब गुणवत्ता के चलते बच्चे खाने से इनकार कर देते हैं और अपने घर से खाना लाने को मजबूर रहते हैं। दूसरी तरफ मेन्यू के अनुसार आने वाले भोजन की जगह प्रतिदिन केवल तेहरी और दाल चावल ही खिलाया जा रहा है। स्कूली रिकॉर्ड के अनुसार महीनों में मात्र 3 दिन ही रोटी सब्जी दी जा रही है, जबकि फल और दूध वितरण ही नहीं होता। जब इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच के साथ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। सर, इसमें इस महीने में 3 बार नहीं आया, कल और परसों नहीं आया था, लेट आता लेट आया भी था खाना, लेट आया था 11:30-12 बजे समथिंग। और आपको पता है 7:15 बजे के बच्चे आते हैं तो क्या इतने देर तक भूखे रहेंगे, तो इसीलिए फिर मैंने वापस कर दिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।